हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग मास्टर्स की टीम के साथ एक नई लेक्चर सीरीज लेके आ रहे हैं जिसमें हम लोग इन्फ्लेशन इकोनॉमी का एक्चुअली पार्ट है, जिसमें हम लोग मल्टीपल वीडियोस हैं, 10-15 वीडियोस रहेंगे जिसमें करंट अफेयर्स की लेक्चर्स भी रहेंगे। बट करंटली हम लोग जो इकोनॉमी का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन इज एक्चुअली महंगाई, जो हम डे टू डे न्यूज़पेपर में सुनते रहते हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ गया, गिर गया, कितना परसेंट गिर गया, कितना परसेंट चढ़ गया, और पूरी गवर्नमेंट और सारे काम सारे लोग उसी को कंट्रोल करने में लगे रहते हैं कि भाई इन्फ्लेशन ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है। तो इन्फ्लेशन एक्चुअली में महंगाई होता है। बेसिकली इट्स मीनिंग इज ग्रेजुअल इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो जो भी गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, उनकी ग्रेजुअल जो प्राइसेस बढ़ रही हैं उसको हम लोग इन्फ्लेशन बोलते हैं। सो इसके एग्जाम्पल की तरह से आप समझो, जैसे कि एक बंदा है, राहुल गांधी समझ लेते हैं। राहुल गांधी है, राहुल गांधी के पास 2 लाख रुपए हैं। राहुल गांधी के पास 2 लाख रुपए हैं तो अब उसको लग रहा है कि मैंने क्या करना है इन 2 लाखों का। तो उसने एक्चुअली में उसने एक कार खरीदनी थी और उसने एक ट्रिप पे जाना था, तो उसने सोचा कि मैं 2 लाख रुपए SBI में डालता हूँ। SBI इंटरेस्ट दे रहा है उसको 6% का, तो 2 लाख रुपए उसने सोचा एक साल के लिए रखूंगा, तो 2,12,000 हो जाएगा उसके पास। और उसने सोचा इन्हीं पैसों में मेरी गाड़ी भी आ जाएगी। बट बैक एंड में एक 3% इन्फ्लेशन रूल प्ले कर रही है। वो क्या है कि वो कार की प्राइस भी एक्चुअली में एक साल के बाद बढ़ रही है, कार की प्राइस भी बढ़ रही है और जो उसने ट्रिप जाना है उसकी भी प्राइस बढ़ रही है। सो अब उसको ज्यादा पैसे चाहिए। पहले उसको 2,12,000 से उसका काम चल जाना था, बट अब कार की प्राइस भी बढ़ गई और इसकी भी प्राइस बढ़ गई, तो इसका मतलब कि उसको ज्यादा पैसे चाहिए। सो सेम थिंग गवर्नमेंट भी करती है और सेम थिंग हम लोग भी करते हैं। अब कहीं पे भी अगर आप न्यूज़पेपर में कभी भी टर्म सुनोगे कि भाई इन्फ्लेशन 3% बढ़ गया या 4% बढ़ गया, तो आपने ये राहुल गांधी वाली एग्जाम्पल दिमाग में लानी है कि राहुल गांधी क्या कह रहा है। राहुल गांधी वाली जो एग्जाम्पल है उसमें हम लोगों ने सोचना है कि यार राहुल गांधी वाली एग्जाम्पल में क्या हुआ कि उसने एक गाड़ी लेनी थी और वो एक साल के बाद गाड़ी की प्राइसेस बढ़ गई। तो आपने भी यही सोचना है कि मैंने अगर इस साल बाइक लेनी थी, इन्फ्लेशन अगर 3% है, तो अगले साल मुझे वो बाइक 3% महंगी मिलेगी। एक लेमैन की तरह से हम लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं। अब इसमें एक और चीज भी मैटर करती है कि इन्फ्लेशन हो कैसे रहा है। जब इन्फ्लेशन होता कैसे है कि जब टू मच मनी चेजेस फ्यू गुड्स, कि जैसे अब 3 लोग हैं, एक बंदे के पास 2 लाख है, एक बंदे के पास 3 लाख है, एक बंदे के पास 4 लाख है, और यही एक मोबाइल है, और मार्केट में बड़े कम मोबाइल्स हैं, उतना ज्यादा सप्लाई नहीं है मोबाइल्स का, बहुत लिमिटेड मोबाइल्स हैं। तो होगा क्या कि ये जो 2 लाख वाला बंदा है ये बोलेगा कि मैं 1 लाख रुपए मोबाइल के दे दूंगा, 3 लाख वाला बोलेगा मैं 2 लाख रुपए मोबाइल के लिए पे करना चाहूंगा, 4 लाख वाला बोलेगा मैं 3 लाख रुपए मोबाइल के लिए पे करना चाहूंगा। एक्चुअली में हो क्या रहा है कि मोबाइल की प्राइस बढ़ रही है, तो मतलब इन्फ्लेशन हो रही है। तो उसका कोर रीजन क्या है कि लिमिटेड सप्लाई है, जो गुड्स हैं उनकी लिमिटेड सप्लाई, और सप्लाई हमेशा लिमिटेड रहेगी। कि ऐसा नहीं होगा कि कल आप बोलो कि अचानक से मोबाइल बढ़ाने लग जाए, वो पॉसिबल नहीं है। उसको कम से कम कुछ साल लगेंगे क्योंकि उनको फैक्ट्रीज उसको लगानी पड़ेगी या मशीनरी लगानी पड़ेगी, उसमें कुछ साल लग सकते हैं। तो इसीलिए जो प्राइसेस हैं प्राइसेस बढ़ती जाएंगी। यही एक्चुअली में रियल इकोनॉमी का बहुत बड़ा स्ट्रगल होता है कि हमें कैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। तो व्हाट कॉजेज इन्फ्लेशन, कॉजेज में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं एक्चुअली में जो 3 कॉजेज हैं इन्फ्लेशन के, डिमांड, कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। ये 3 टाइप के मेजरली कॉजेज हैं, इनकी वजह से ही इन्फ्लेशन होती है एक्चुअली में। जो तो डिमांड पुल जो इन्फ्लेशन है वो होता कैसे है, उसमें एक्चुअली होती है 3 रीजंस हैं। एक गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा होता है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मतलब कि कल ही जाके मोदी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम लोग रोड्स बनाने लग जाएंगे, तो रोड्स बनाने लग जाएंगे तो ऑटोमेटिकली लोगों को बहुत काम मिलने लग जाएगा, बहुत ज्यादा लोगों को जॉब्स मिलने लग जाएंगी। जो मनरेगा के लोग हैं, गाँव गाँव के लोग हैं, उधर रोड्स बनाने के, तो उनको सैलरीज मिलेंगी ऑटोमेटिकली। जो बंदा पहले साइकिल लेता था वो अब जाके बाइक लेने लग जाएगा। तो कॉस्टिंग चीजों की, महंगाई चीजों की बढ़ती जाएगी, चीजें महंगी होती जाएंगी। वो पहले अगर सेब खा रहा था तो अब वो 10 सेब खाएगा, तो डिमांड उसकी बढ़ती जाएगी। तो ये एक वन ऑफ द रीजन है। फिर एक पॉपुलेशन बहुत बड़ा रीजन है कि
इंडिया में इन्फ्लेशन इसलिए ज्यादा है बिकॉज इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और उतने लेवल की हम लोग ना मोबाइल वाली एग्जांपल याद करो कि हम इतने ज्यादा मोबाइल बना नहीं सकते हैं, इतने लिमिटेड है ना कि हमें उसको बनाने के लिए काफी टाइम लगेगा, ये हमारे दिमाग में एक बात रहनी चाहिए। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है ब्लैक मनी। इंडिया में मेजरली ब्लैक मनी एक बहुत बड़ा हिडन सोर्स ऑफ इन्फ्लेशन है क्योंकि इंडिया में ब्लैक मनी बहुत ज्यादा है तो उसकी वजह से होता क्या है कि प्रॉपर्टी लोग खरीदते हैं और ब्लैक मनी से वो चैनलाइज नहीं है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है, हिडन है तो उससे प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा इंडिया में मेजॉरिटी जो प्रॉपर्टी इन्फ्लेशन हुआ हुआ है उसका मेजर रीजन ही ब्लैक मनी है, उसकी वजह से बहुत ज्यादा प्राइसेस बढ़े हैं। तो ये हमारा डिमांड पुल इन्फ्लेशन है। फिर उसके बाद कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन आ गया। जो कॉस्टिंग में प्राइसेस बढ़ रही हैं वो एक्चुअली में कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन है। कॉस्टिंग में मतलब कि मोबाइल जो हमारी एग्जांपल थी उसको याद करके सोचो कि मोबाइल बनाने में किन किन चीजों की पैसे प्राइसेस बढ़ सकती हैं। जैसे कि हम लोग इसमें एक बात करें कि हम लोगों को टैक्सेस, सबसे पहले टैक्सेस हो गए, टैक्सेस से हमारी वो बढ़ती है। फिर उसके बाद सैलरीज, टैक्सेस जैसे कि जीएसटी, बेसिकली इनडायरेक्ट टैक्स हम लोग बात कर रहे हैं। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो गवर्नमेंट डायरेक्ट नहीं लेती है, अलग सोर्स से हमारे पास टैक्स आता है। जैसे कि गवर्नमेंट ने मोबाइल में हिडन टैक्स होता है वो हम लोग जाके खुद से नहीं देते पर हर चीज में हम लोग वो पे करते हैं, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो हर बंदा वो पे करता है। तो टैक्सेस, उस मोबाइल में टैक्सेस बढ़ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली मोबाइल की प्राइस भी बढ़ जाएगी ना। तो वैसा है एग्जांपल, उस मोबाइल वाले वेंडर ने सोचा कि मैं अब अपनी सैलरीज अपने इंप्लॉइज की बढ़ाने लग जाऊंगा तो ऑटोमेटिकली उसकी जो सैलरीज हैं उसकी वजह से उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी मोबाइल की, तो ऑटोमेटिकली मोबाइल की कॉस्टिंग भी बढ़ेगी। फिर सीजन्स, जैसे पर्टिकुलरली कभी टाइम पे होता है कि हम लोग प्याज जैसे देखते हैं, प्याज का होता है कि प्याज एक टाइम पे बहुत ही सस्ता मिल रहा होता है, 10 रुपए किलो मिल रहा होता है, 20 रुपए किलो मिल रहा होता है, बट अचानक से मॉनसून आता है और प्रोडक्शन एकदम से गिर जाती है तो प्याज की जो प्राइसिंग है वो कभी 100 रुपए हो जाता है, कभी 150 रुपए किलो में हमें मिलने लग जाता है। तो इसका एक बहुत बड़ा रीजन है कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन, दैट इज सप्लाई साइड, मतलब कि हमें दिक्कत आ रही है उस एरिया में कि जहां पे हम लोगों की प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है। तो अब स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन में क्या है कि जो इंडिया में बेसिकली स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हमारी इन्फ्लेशन कैसे बढ़ रही है, क्योंकि स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन क्या है कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वहीं पे ही लैगिंग है, कि जैसे रोड्स बेकार है, इलेक्ट्रिसिटी है नहीं, ठीक है, जहां पे पानी चाहिए वाटर रिसोर्स नहीं प्रॉपरली मिल पा रहा है, तो अब इंडस्ट्रीज को क्या क्या चाहिए, रोड चाहिए, इजिली रोड एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, उनका काम इजिली वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट इजिली कर पाए, जो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ जो भी रीजंस है कि इंडिया में हम लोग इतने अच्छे से रोड हाईवेज नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं। या इलेक्ट्रिसिटी, 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी कुछ इंडस्ट्रीज को बिल्कुल बेसिक नेसेसिटी होती है, उनको एकदम 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, बट बहुत जगहों में अभी तक 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। कोई प्लांट है जहां पे वाटर की रिक्वायरमेंट है, जैसे जम्मू में चिनाब टेक्सटाइल मिल है, उधर पानी की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, बहुत ज्यादा यूज होता है, बट वहां पे पानी नहीं टाइमली अवेलेबल होगा तो ऑटोमेटिकली कॉस्टिंग बढ़ती जाएगी ना, जब टाइम नहीं होगा, क्योंकि पर आर प्रोडक्शन का प्राइस बढ़ता जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, बिजली कट गई, लेबर को तो आपको पैसा देना पड़ेगा ना, वो तो वेट कर रही है आपके लिए। तो बस बेसिकली ये अभी हमने दो चीजें डिस्कस कर ली है, मीनिंग और कॉजेस, अब इफेक्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अभी हम इन्फ्लेशन के इफेक्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो इन्फ्लेशन का मेजरली इफेक्ट क्या है, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, सिंपल इफेक्ट क्या हो सकता है, मैं एकदम लेमैन की तरह समझाऊंगा कि जैसे अनियन की प्राइसेस इंक्रीज हो गई, ठीक है, तो आपके घर पे जो अनियन आप पहले सस्ते में खरीद रहे थे उस प्याज की प्राइस भी बढ़ गई, तो ऑटोमेटिकली अगर आपकी सैलरी ज्यादा है, स्टिल जितनी भी ज्यादा है, स्टिल आपका एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, जो आपका खर्चा है वो बढ़ने वाला है, फॉर श्योर बढ़ने वाला है, ठीक है। एग्जांपल, वो जो फर्स्ट पार्ट में हमने जब मीनिंग डिस्कस कर रहे थे तब हम लोग राहुल गांधी की एग्जांपल को डिस्कस कर रहे थे, तो राहुल गांधी क्या कर रहा था, उसने पैसे बैंक में डाले थे बट उसने सोचा इतने पैसे आ जाएंगे, बट स्टिल हुआ क्या, कार महंगी हो गई ना, तो आपकी जो कार है वो महंगी होती जा रही है। सेम गवर्नमेंट ने भी यही, गवर्नमेंट भी जब ऑयल खरीद रही है दूसरी कंट्री से, हम जाके और तेल खरीदते हैं और तेल की प्राइसेस बढ़ गई, तो हमारा जो गवर्नमेंट के पास भी पैसा है वो भी कम होता जा रहा है, क्योंकि चाहे गवर्नमेंट पैसा ज्यादा टैक्स से या किसी भी तरह से इकट्ठा करिए पर गवर्नमेंट का भी रियल में एक्सपेंडिचर बढ़ता ही जा रहा है। तो ये मेनली इफेक्ट्स के बारे में बात हो गई है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है ना, जो मतलब मेजॉरिटी पेपर क्वेश्चंस आएंगे भी उससे आ सकते हैं, मतलब प्रोबेबिलिटी है, तो वो टाइप्स हैं। टाइप्स तो मतलब बहुत ही सारी हैं, तो हम एक लिमिटेड नंबर ऑफ टाइप्स समझेंगे जिसमें मतलब हम लोगों को समझ भी आ जाए इन्फ्लेशन क्या है और क्या नहीं है। तो सबसे पहली है क्रीपिंग इन्फ्लेशन। तो
क्रीपिंग इन्फ्लेशन बेसिकली होता क्या है कि 4% के अराउंड में जब इन्फ्लेशन हो, 4% के अप्रोक्सीमेट में, तो उसको गुड समझा जाता है इकोनॉमी के लिए. गुड क्यों समझा जाता है? महंगाई कोई अच्छी तो है नहीं. महंगाई इसलिए अच्छी है, कुछ हद तक अच्छी है, पूरी नहीं अच्छी, कुछ हद तक अच्छी है. क्योंकि एग्जाम्पल ले लो वही राहुल गांधी की फिर से. तो राहुल गांधी ने जो मारुति की गाड़ी महंगी, मारुति की वो गाड़ी एग्जाम्पल खरीदने गया और मारुति की गाड़ी महंगी हो रही है क्योंकि इन्फ्लेशन है 3%. तो वो मारुति जब गाड़ी खरीदने गया, मारुति ने भी वहां पे अपने स्टाफ रखा हुआ है, तो मारुति की गाड़ी की जो प्राइस महंगी हो रही है तो मारुति उससे पैसा, उस एक्स्ट्रा पैसे का करेगा क्या? वो या तो उस स्टाफ को जाके सैलरी देगा, या तो वो लैंड जहां पे उसने रेंट लिया हुआ है उसकी उसकी वो कॉस्ट बढ़े जाएगी. तो मतलब इन दी एंड वो पैसा इकोनॉमी में ही सर्कुलेट हो रहा है अलग अलग तरह से. इलेक्ट्रिसिटी के लिए पे करेंगे, टूल्स के लिए पे करेंगे, वर्कर्स को देंगे, मतलब इन दी एंड वो इकोनॉमी में ही पैसा सर्कुलेट हो रहा है. तो इसलिए कुछ हद तक इन्फ्लेशन अच्छी है, पर वही अगर इन्फ्लेशन 10-15% हो जाए तो वो दूसरा बंदा जो पे कर रहा है एक महंगी गाड़ी उसको भी चुभने लगेगी. तो नेक्स्ट जो है वो है ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन. ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन क्या है? ये इससे थोड़ी ज्यादा इन्फ्लेशन है, विच इज मोर देन क्रीपिंग इन्फ्लेशन. बस इसको ऐसे सिंपली समझो कि जो क्रीपिंग इन्फ्लेशन से ज्यादा है. फिर एक आगे ग्लोपिंग इन्फ्लेशन. ग्लोपिंग इन्फ्लेशन 10-15% के अराउंड में रहती है, जो मतलब इकोनॉमी में मतलब हमें एक रेड लाइट जलने लग जाती है कि भाई हाँ अभी दिक्कत की बात हो गई है, हमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है. बहुत सारे मेजर्स होते हैं, हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कैसे कंट्रोल करते हैं, कि हमें अब कंट्रोल करने की जरूरत आ गई है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो रही है. जो सबसे हार्मफुल स्टेट ऑफ इन्फ्लेशन है वो है हाइपर इन्फ्लेशन. हाइपर जो इन्फ्लेशन है ना, ये सबसे ज्यादा हार्मफुल है. ये बहुत सारी कंट्रीज में वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे हुई हुई है, और जर्मनी इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल है. जर्मनी में हुई थी. इसमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो जाती है, मतलब 200% के अराउंड में इन्फ्लेशन हो जाएगी. चीजों की प्राइसेस 200-300% बढ़ जाएगी. अभी रिसेंटली में वेनेजुएला में हुई थी. वेनेजुएला में अभी कुछ ही 2-3 महीना मतलब साल, एक साल शायद से, एक आध साल पहले, वेनेजुएला की इकोनॉमी मेजरली ऑयल के ऊपर बेस्ड इकोनॉमी है, तो ऑयल की प्राइसेस अचानक से गिर गई, तो वहां पे बहुत ज्यादा महंगाई हो गई. तो इसलिए मतलब वेनेजुएला में अभी रिसेंट में वेनेजुएला में हुई थी, जब हमने अपनी कंट्री में डीमोनेटाइजेशन की थी उन्होंने भी की थी, बट उनका रीजन ये था कि उन्होंने इन्फ्लेशन की वजह से करी थी. तो ये आ गए, ये हमारे मेजर ये चार टाइप्स हैं इन्फ्लेशन के. अब आ गया डिसइन्फ्लेशन. डिसइन्फ्लेशन और इसके बाद आ गया डिफ्लेशन. अब जो डिफ्लेशन है ये, इसका बहुत बेसिक से आप एग्जांपल समझो, जैसे बहुत सारी कंट्रीज हैं उधर इन्फ्लेशन 0% इंक्रीज हो रहा है, ठीक है. अब आप समझोगे कि 0% चीजें महंगी नहीं हो रही, ऐसा कहां होता होगा? ऐसा होता है, ऐसा होता है डेवलप्ड इकोनॉमीज में होता है. जैसे एग्जांपल वहां पे लोगों की जरूरत ही नहीं है. एग्जांपल समझ लेते हैं हम यूएस में. अब यूएस में हर किसी के घर माइक्रोवेव है, हर किसी के घर माइक्रोवेव है, तो उनको उधर माइक्रोवेव की प्राइसेस बढ़ नहीं रही है क्योंकि डिमांड ही नहीं है माइक्रोवेव की. तो उधर एक लिमिट में आ गई है प्राइसेस की, इससे ज्यादा वहां पे माइक्रोवेव की प्राइस नहीं बढ़ेगी. बट इंडिया में माइक्रोवेव की डिमांड अभी भी है क्योंकि बहुत सारे घरों में माइक्रोवेव नहीं है, तो उनको डिमांड है, तो इसलिए वहां पे 0% इन्फ्लेशन हो ही नहीं सकती. ऑटोमेटिकली हर ईयर के अकॉर्डिंग वहां पे इन्फ्लेशन होगी ही होगी. ये मतलब बेसिक है उसका. अब डिफ्लेशन बिल्कुल बेसिक है कि जैसे रिडक्शन इन इन्फ्लेशन, कि रिडक्शन हो रही है इन्फ्लेशन में, महंगाई कम हो रही है. बहुत सारी कंट्रीज में महंगाई कम हो रही है, वहां पे एक्चुअली में 0% इंटरेस्ट मिलता है बैंक्स में. आप बैंक में पैसा डालोगे आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला है. बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज हैं उधर ऐसा होता है, जर्मनी में ऐसा होता है, इंग्लैंड में ऐसा होता है, वहां पे मतलब एकदम डिफ्लेशन है. तो ये बेसिक है, ये मतलब डिफ्लेशन हो गया, डिसइन्फ्लेशन हो गया. तो इसके बाद अब हम लोग स्टैगफ्लेशन डिस्कस करेंगे. स्टैगफ्लेशन क्या है? कि इन्फ्लेशन बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, और साथ में अनइंप्लॉयमेंट भी बढ़ रही है. ये अब बड़ा ही यूनिक सिनेरियो है. ये कहीं पे भी होगा ना तो वहां की कंट्री के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है. जैसे करंटली अभी ये ग्लोबली हो रहा है, कोरोना वायरस जैसे अभी आया है, तो कोरोना वायरस की वजह से हो क्या रहा है दुनिया में? यही तो हो रहा है कि लोगों को अनइंप्लॉयमेंट हो रही है, लोगों को निकाला जा रहा है. और इन्फ्लेशन क्यों हो रही है? क्योंकि लिमिटेड गुड्स हैं, बहुत सारी फैक्ट्रीज क्लोज्ड हो गई हुई हैं,
ठीक है, तो फैक्ट्रीज क्लोज हो गई हुई है तो प्रोडक्शन हो ही नहीं पा रही है, तो ऑटोमेटिकली ही ये स्टैगफ्लेशन को होने वाला है। तो अभी करंटली कोई बोले कि इन्फ्लेशन हो रहा है, नहीं इन्फ्लेशन ही हो रहा है, स्टैगफ्लेशन हो रहा है, जो इन्फ्लेशन से भी बुरा है। इन्फ्लेशन थोड़े हद तक सही है, बट स्टैगफ्लेशन तो कहीं से भी सही नहीं है। तो ये है स्टैगफ्लेशन। अब एक है रीफ्लेशन। रीफ्लेशन में क्या है कि ये वापस किसी कंट्री में डिसइन्फ्लेशन होती है, जैसे जैसे जर्मनी की अभी मैंने एग्जांपल दी जर्मनी में, पर अब वहां पे इन्फ्लेशन वापस इमर्ज हो रही है, जो कि उन कंट्रीज की इकोनॉमी के लिए बेटर है, क्योंकि मैंने ऐसे बताया था कि क्रीपिंग इन्फ्लेशन 4% बेटर है कंट्री के लिए, तो ये अच्छी चीज होती है। तो रीफ्लेशन वापस होता है, ये एक्चुअली में 2008 और 9 में जब हमने ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस देखा था, तो उसके बाद बहुत सारी कंट्रीज ना डिसइन्फ्लेशन में चली गई थी, पर उसके बाद अब बहुत सारी कंट्रीज वहां से निकली बाहर, यूरोपियन कंट्रीज नहीं निकल पाई बट यूएस निकल गया, तो यूएस में अभी रीफ्लेशन हो रहा था, बट अभी कोरोना वायरस की वजह से अब वहां पे वापस से डिसइन्फ्लेशन भी नहीं हो रहा, अब स्टैगफ्लेशन हो रहा है, मतलब इन्फ्लेशन से भी बुरा हो रहा है। तो ये मतलब एक्चुअली में मेजॉरिटी टाइप्स हैं कि क्या क्या है इनमें, तो इनको एक बार आप वीडियो पॉज करके वापस से रिविजिट कर लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इसमें क्या डिफरेंस है क्या नहीं है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए सही है। अब इन्फ्लेशन मेजर कैसे होता है, इन्फ्लेशन बेसिकली मेजर दो ही मतलब दो तीन चीजें हैं, बट हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बस दो ही चीजें याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में ऐसा ही पूछा जाएगा, WPI और CPI। इसको मैंने एक्सप्लेन करने के लिए एक अलग से वीडियो बना सकता हूं कि बहुत लंबा हो सकता है, बट अभी हम लोग सिर्फ लेमैन की तरह समझते हैं कि होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या, WPI इज होलसेल प्राइस इंडेक्स, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो होलसेल जो प्राइस इंडेक्स है, मतलब जो होलसेलर के पास जिस प्राइस पे आ रही है, उसमें लॉजिस्टिक कॉस्ट ऐड ऑन हो जाती है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट ऐड ऑन हो जाती है, उसमें और मल्टीपल चीजें जो है जो भी होलसेलर के एंड में आती है वो चीजें ऐड, लॉजिस्टिक मतलब कि रखने के लिए वेयर हाउस ट्रांसपोर्ट इन सब की चीजों की कॉस्टिंग ऐड होती है। कंज्यूमर के पास जो आती है उसमें ये सब चीजें ऐड ऑन हो के प्लस फ्यूल और ये सब चीजें भी ऐड ऑन होती है, तो ये मेजर डिफरेंस है, बट इतना डिटेल्ड में जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम कोई और है जिसके लिए हम टारगेट कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ WPI और CPI, अगर तो नीड है आप चाहते हो कि मैं इसको और एक्सप्लेन करूं तो आप कमेंट्स में लिख देना, तो हम एक अलग 5-10 मिनट्स का वीडियो बना देंगे जिसमें हम सिर्फ यही इंडेक्सेस को ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है डिफरेंट एग्जाम्स के लिए, इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अभी लास्ट टॉपिक रह गया, इन्फ्लेशन पूरा खत्म हो जाएगा इसकी वजह से, इसके बाद हाउ इन्फ्लेशन कैन बी कंट्रोल्ड। अब इन्फ्लेशन कंट्रोल कैसे किया जाता है, मल्टीपल तरीके हैं, RBI की हेल्प से कंट्रोल किया जाता है, RBI माने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फिर गवर्नमेंट क्या करती है कंट्रोल करने के लिए, गवर्नमेंट भी कंट्रोल कर सकती है, फिर एडमिनिस्ट्रेशन कैसे कंट्रोल करती है कि KS, IS, DCs, VCs वो सब कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो अलग अलग हैं। RBI क्या करती है, RBI एक मॉनेटरी पॉलिसी करके टूल्स होते हैं, मॉनेटरी टूल्स होते हैं RBI के पास, उनके थ्रू करती है वो, हमने ऑलरेडी आगे के लेक्चर्स में हमने ये सब डिस्कस करना है, तो अभी इस टाइम पर अगर मैं ये समझाने लग गया अलग से मॉनेटरी पॉलिसी तो बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा, अभी आप इतना ही समझ लो कि मॉनेटरी टूल्स होते हैं जो यूज करते हैं RBI इसको इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो उसके बाद ये जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे कि एग्जांपल प्याज है, प्याज महंगा है, अभी प्याज महंगा चल रहा है एग्जांपल मार्केट में, तो प्याज मार्केट में महंगा है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इंपोर्ट करती है और इंपोर्ट को कंट्रोल करती है, एंटरटेन करती है, मतलब इंपोर्ट बढ़ाती है प्याज की और एक्सपोर्ट को कंट्रोल करती है कि हम कंट्री से बाहर ना भेजें प्याज, ताकि किसी भी तरह ये प्याज की प्राइसेस या तो कंट्रोल रहे या तो सस्ती हो जाए, बढ़े तो नहीं, मिनिमम बढ़े तो नहीं, जितनी इन्फ्लेशन हो गई एग्जाम्पल उसकी 8% है, 10% है, 15% है, उससे बढ़े नहीं, गवर्नमेंट इस लेवल पे हेल्प करती है अलग अलग तरीके से, इंपोर्ट ड्यूटीज चेंज करती है, इंपोर्ट ड्यूटीज मतलब कि जो कंट्री में सामान आ रहा है एक्सपोर्ट हो गया जो हम बाहर भेज रहे हैं, बेसिक यही डिफरेंस है। एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे जैसे होर्डिंग हो गया, बहुत सारी जगहों पे आप सुनते हो कि भाई उसने ये चीनी होल्ड करके रखी है, केरोसिन होल्ड करके रखा है, पहले होता था वैसे बेसिकली, अब तो कम होता है बट चलो स्टिल केरोसिन होता है, चीनी होती है, अनियन भी इवन होल्ड होता है जब सीजन आता है, जिस चीज की भी मार्केट में डिमांड होती है उसको वो शॉर्ट करते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन उसमें हेल्प करती है कि कैसे इन सब चीजों को होल्ड नहीं होने देना है, बेसिक यही है, सब इन्फ्लेशन इन तरह से कंट्रोल्ड होती है। RBI नोट छापता है अलग अलग, गवर्नमेंट भी नोट भी छाप सकती है, गवर्नमेंट
एक्चुअली गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट नोट भी छापने को बोलती है आरबीआई को, एक्चुअली में आरबीआई अपनी मर्जी से नहीं छाप सकता है, तो गवर्नमेंट बोलती है आरबीआई को करेंसी प्रिंट करने के लिए, तो उससे भी अलग अलग तरह से इन्फ्लेशन में इफेक्ट आता है। सो ये लेक्चर इतना ही था बेसिकली, तो हमने इनमें मीनिंग डिस्कस किया, कॉजेज डिस्कस किए, इफेक्ट्स, टाइप्स, और ये हाउ इन्फ्लेशन कैन बी कंट्रोल्ड। मीनिंग में मैंने आपको वो राहुल गांधी वाली एग्जांपल बताई थी जिसमें वो कार वाली बात करी थी हमने कि उसने कार पे जाना और ट्रिप पे जाना है, तो ये आपको समझ आ गया था कि क्या है, कैसे उसकी प्राइसेस बढ़ गई थी। ठीक है, कॉजेज में हमने वो डिमांड वाली बात की थी, डिमांड की थी, वो फ्लो चार्ट बनाया था हमने, डिमांड पुल बनाया था, कॉस्ट पुल बनाया था, फिर स्ट्रक्चरल जिसमें इलेक्ट्रिसिटी और इन सब की बात करी थी हम लोगों ने, फिर इफेक्ट्स के बारे में बात करी कि कैसे कैसे इफेक्ट होता है, कैसे हमारा प्राइसेस बढ़ जाते हैं, प्याज के प्राइसेस बढ़ गए, कार के प्राइसेस बढ़ गए, अगर मेरे को बाजार में कुछ भी चीज़ें मेरी सैलरी भी बढ़ गई स्टिल इन्फ्लेशन का मेरे ऊपर बिल्कुल इफेक्ट करती है इन्फ्लेशन। टाइप्स की हमने बात की, क्रीपिंग, लॉपिंग, फिर स्टैगफ्लेशन, डिसफ्लेशन, ये सब हमने डिस्कस किया। लास्ट में हमने कैसे इन्फ्लेशन कंट्रोल करता है आरबीआई के बारे में बात की हमने, फिर आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट कैसे कंट्रोल करती है, फिर एडमिनिस्ट्रेशन कैसे कंट्रोल करती है। सो ओवरऑल यही था पूरा एक समरी इन्फ्लेशन के ऊपर, और ये इनफ है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर तो और नीड है, आप चाहते हो कि मैं और एक्सप्लेनेटरी करूं, तो आप कमेंट्स में लिख देना, हम लोग एक और 5-10 मिनट्स का वीडियो बना के और एड ऑन कर सकते हैं, बट जिस एग्जाम के लिए हम टारगेट कर रहे हैं अभी जो पढ़ाने के लिए वो इससे कवर हो जाएगा। सो थैंक यू गाइस, प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।